नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ ने उत्तर प्रदेश में सो रही भारतीय जनता पार्टी को झकझोर दिया है। भीड़ का उत्साह वोटों में कैसे तब्दील हो, जाहिर है ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी है। क्या है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की रणनीति उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं आज के क्रॉस फायर में। लक्ष्मीकांत जी, साधना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सो रही भारतीय जनता पार्टी को अचानक जो है नींद से जागने की वजह मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5-2 साल से जी कार्यकर्ता को जगाने में लगी हुई थी, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना संगठन का कोई आधार नहीं बन सकता। कार्यकर्ता जगा और उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन शुरू किया। सौभाग्य से इसी बीच में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया जी। और उनके मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना सामान्य जनता की मांग से उत्पन्न बाध्यता के कारण हुआ। जब जनता की आकांक्षा मोदी जी के पक्ष में है, कार्यकर्ता संगठन का तैयार है, खड़ा है, कार्यकर्ता के आधार पर बूथ की रचना हमने अपने वास्तविकता के आधार पर और संगठन के रूप खड़ी की है जी। तब मोदी जी के द्वारा बना हुआ वायुमंडल ईवीएम मशीन तक जाए और वहां से अनुकूल परिणाम निकलकर हमारा निर्वाचित सांसद संसद तक जाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की भूमिका है और उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत लगभग एक दशक से ज्यादा समय होने को जा रहा है जब आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है। पिछले 10 सालों में पार्टी का जनाधार भी बहुत तेजी से घटा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के आंकड़े सामने हैं, विधानसभा चुनाव के आंकड़े सामने हैं। मैंने जैसे कहा कि जाहिर है ये जिम्मेदारी आपके ऊपर कहीं ज्यादा है, किस तरीके से आप इस बार योजनाएं बना रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बढ़े? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मतदान का प्रतिशत और विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या में गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित है। लेकिन ये गिरावट क्योंकि पहले से हमारे संज्ञान में थी, तो इस गिरावट को दूर करने का जो सर्वाधिक प्रभावी उपकरण हमारे पास था वो था कार्यकर्ता जी। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैंने सबसे पहला काम कार्यकर्ता को खड़ा करने का किया। उसका पहला परिणाम हमको दो कामों में आया जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय के चुनाव में मिली अभूतपूर्व सफलता। विधानसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत हमारे पक्ष में था 15, नगरीय निकाय के चुनाव में भले ही वो प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों का है लेकिन वो प्रतिशत हुआ 24। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में जहां हमको कुल 3 लाख सदस्य बनाने थे, 17 लाख सदस्य 1 माह के निर्धारित समय में कार्यकर्ता ने बनाए। और उसके बाद संगठन का चुनाव 1993 के बाद पहली बार बैलेट पेपर से जिला कमेटी का चुनाव। हर चुनाव भले अनपोज हुआ हो लेकिन बाकायदा नामांकन पत्र भरकर प्रक्रिया से शुरू किया है, यानी पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र स्थापित किया है। बाहर हम वोट की बात करें, भीतर हम लोकतंत्र को ताले में बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया हमने। उस सबके कारण कार्यकर्ता में पूरी तरह से जागृति है और राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करेंगे। ये आत्मविश्वास जनमत के भरोसे और कार्यकर्ता शक्ति के भरोसे उत्तर प्रदेश भाजपा को है। जो विश्लेषक है उनका भी कहना है कि जो नरेंद्र मोदी की रैली में यूपी में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, ये काफी ऐसी भीड़ है जो वोट में तब्दील जिसका होना बहुत मुश्किल है। अमूमन ऐसे जब कोई स्टार फिगर हो जाता है तो उसको देखने सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति, जैसा कि आपने भी कहा कि यहाँ पे जाति के आधार पर और तमाम दूसरे फैक्टर्स होते हैं वोटिंग के, तो उसमें ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी, ये बड़ा मुश्किल है। तब्दील भी की जा सकती है और तब्दील की भी जाएगी। मैंने बताया कि ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ हमारी बूथ पर बनी हुई कमेटियों के द्वारा, बूथ की कमेटी खुद और उसके द्वारा उस क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को हम ला रहे हैं जी। हमारे समर्थक हैं या मोदी जी की बात सुनने के बाद हमारे समर्थक बनने की संभावना वाले लोग हैं जी।
हम ऐसे लोगों को यहाँ लाकर, जब मोदी जी के द्वारा सीधी सीधी संवाद एक तरीके से कायम हो रहा है, निश्चित तौर पर जो हमारा अनुभव है अब तक का गली मोहल्ले में और गांव में आवाज ये है कि दिल्ली में मोदी, तो दिल्ली में मोदी केवल रैली से नहीं जा रहे हैं, दिल्ली में मोदी रैली के माध्यम से बनी भावना के आधार पर ईवीएम मशीन के माध्यम से गए हुए सांसदों की संख्या के आधार पर जाएंगे, मुझे यह निश्चित भरोसा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का भी केंद्र ओरिजिन उत्तर प्रदेश है जी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी केंद्र ओरिजिन उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी की 100% एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना, कानून व्यवस्था जनता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वह भी इस सरकार की नहीं दे पाई। और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो महिलाओं के उत्पीड़न से भरा हुआ वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार का 2013 का वर्ष है, ये एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी की। बहुजन समाज पार्टी का जातिवाद और भ्रष्टाचार, कांग्रेस का महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाला, राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता, इन सब मुद्दों पर जनता स्पष्ट राय व्यक्त कर रही है और उसके आधार पर एक बात वो कह रही है कि मैं दिल्ली में मोदी, आगे का क्या होगा ये भी वो बाद में तय करेगी। इसलिए जनता के इस निर्णय और अपनी कार्यकर्ता की शक्ति, बूथ पर खड़ा किया गया अपना तंत्र और राष्ट्रवाद और सुशासन और विकास का मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के मैदान में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से उतनी मात्रा में सांसद जीत के देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं, सबसे बड़ा संसदीय दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि बूथ का तंत्र, तो मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य, बूथ का तंत्र बनाने में काफी समय लगता है। रैलियां अभी महीने दो महीने पहले शुरू हुई हैं और जो उत्साह मैंने कहा, जो भीड़ मैंने कहा, वो अभी हाल के कुछ महीनों के ही दिन है। ऐसे में बार बार ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना कि आप दावा कर रहे हैं। हमने पहले बूथ का तंत्र खड़ा किया है, उसके बाद रैली शुरू की है। नंबर एक, रैलियों के माध्यम से उपजा हुआ जन समर्थन को फिर हमको बराबर समर्थन में रखना है। तो जनवरी का महीना एक तरीके से रैली नहीं हो रही हमारी कोई, जनवरी में हम एक एक बूथ पर जाकर, एक एक घर पर जाकर बूथ क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति 100% मतदाता बन के मतदाता सूची का भाग बने, मतदाता सूची का भाग बना व्यक्ति 100% परिचय पत्र से युक्त हो, ये दो अभियान हमारे जनवरी माह में चल रहे हैं। उसके बाद फिर रैलियां होंगी और अंततोगत्वा ये जो इस सबका वातावरण निर्माण होगा, 100% मतदान हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अब की बार इसके लिए करेगी। और हम ये बात दावे से कह रहे हैं कि 100% मतदान के निकट तक हम 100% बूथ तक जरूर पहुंचेंगे, ये बात हमें कहने में कोई संकोच नहीं। कई सारे चुनावों को देखने का मुझे भी मौका मिला है। मैं अक्सर इतना ही उत्साह देखती हूँ जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान में होती है। 2004 में भी मैंने लोकसभा चुनाव में भी यही उत्साह देखा। 2009 में जब आपने आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया तब भी ऐसा ही उत्साह था। एक बार फिर 2014 के लिए, उत्साह में कभी कमी नहीं होती, लेकिन जब वोट पड़ रहे हैं पिछले एक दशक में तो बहुत हाशिए पर है बीजेपी। आपकी बात ठीक है, हमेशा रहा, अब की बार का उत्साह धरातल पर आधारित है, जमीन से ऊपर उठकर नहीं है। और इस उत्साह का आधार, एकमात्र आधार अगर मैं कहूँ तो कार्यकर्ता, नंबर दो पर आदरणीय मोदी जी के द्वारा मिल रहा जन समर्थन माध्यम से, और इस सब के बावजूद भी मुद्दे इतने हैं, आखिर सब जनता वोट किसको देगी? समाजवादी पार्टी को देख रही है, बहुजन समाज पार्टी को देख चुकी, कांग्रेस ने जो हस्त राष्ट्रीय मानचित्र पर इस देश का किया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो दुर्दशा इस भारत की चित्रित की है, आज देश की जनता को ये लग रहा है कि कुछ भी सही, अब विकल्प भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारत माता के साथ खिलवाड़, भारत के सैनिकों के सिर कट के चले जाएं, भारत सरकार में जुम्बिश ना हो, चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर बैठ जाएं,
भारत सरकार को अपमान महसूस ना हो, तो आखिर देश की जनता ही सबको समझती है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, इससे मेरा भी मैं भी सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपने उठाए विधानसभा में और चर्चा के केंद्र में रहे? समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां जब जैसी आवश्यकता पड़ी नहीं उठाया? मैं उन्हीं बड़े मुद्दों की बात करी, मुझे गिनवाएं। मुजफ्फरनगर का दंगा लीजिए, लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार अपहरण और इस तरह की घटनाओं को लीजिए, बिजली के मूल्य की बढ़ोतरी को ले लीजिए, आप क्या नाम कानून व्यवस्था जो सामान्य खराब हो रही है ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं मंत्रियों और विधायकों के द्वारा किए जा रहे घटनाक्रमों को ले लीजिए। अच्छा, बार बार देख रही हूँ बयानों की बात आती है, अक्सर समाजवादी पार्टी आपकी प्रशंसा करती है, कभी आपके नेता भी समाजवादी पार्टी की प्रशंसा करते हुए सुनाई पड़ते हैं, और बार बार ये आरोप लगता है कि कुछ फिक्सिंग है, कुछ टाई अप है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कभी मेल नहीं हो सकता, जिस प्रकार नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, भले समुद्र में मिलते हैं लेकिन दोनों किनारे अलग अलग जाकर मिलते हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलन कभी नहीं हो सकता, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। और समाजवादी पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता भाजपा कार्यकर्ता को नहीं है, ये तो मैंने केवल इस प्रसंग में कहा कि एंटी इनकम्बेंसी उसकी जो उस पर हावी है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि दिल्ली की वर्तमान यूपीए सरकार के जो असफलताएं हैं उनसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैसे बचेंगी? उसको बैसाखी लगाए हुए हैं, उसको समर्थन देकर टिकाए हुए हैं, और समर्थन का आधार केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल से बचाना है। अरे भाई, सांप्रदायिक हम है नहीं, सांप्रदायवादी तो वो जो दिन भर मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। शासनादेश था मुजफ्फरनगर के दंगे में कि 5-5 लाख रुपया मुसलमानों को दिया जाएगा मुस्लिम पीड़ितों को, क्यों हिंदू दंगा पीड़ित नहीं है वहां पर? इसका जवाब हालांकि समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, लेकिन जब उनके नेताओं से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि मुसलमान प्रदेश में बहुत पिछड़ा हुआ है और ये उनका हक है। मुसलमान अगर इस प्रदेश में पिछड़ा है तो 10 साल की सरकार तो समाजवादी पार्टी की और 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की, इन सबकी मिलकर सरकार है। यदि ये दिन भर तो मुसलमान की माला जपते हैं, अल्पसंख्यक इनकी कार्यों की प्राथमिकता मुसलमान होती है, और उसके बाद भी ये मुसलमान का स्तर नहीं उठा पाए तो असफलता किसकी है? हमारी तो नहीं है। और मैं इसके बाद में पूछना चाहता हूं अल्पसंख्यकवादियों से कि 300 करोड़ रुपया इन्होंने सरकार के बजट से कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए दिया, शमशान की क्यों नहीं? अरे किसी के घर से मैयत उठे या शव यात्रा उठे, अर्थ दोनों के एक होते हैं। हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति में शव का सम्मान करने की परंपरा है। 300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में लगेगा और शमशान में नहीं? समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे कि मरने के बाद कहां जाएंगे, तय करें ना। और दूसरी बात मुस्लिम तुष्टिकरण की देना चाहता हूं, अल्पसंख्यक बेटी को 30,000 रुपया, मध्य प्रदेश में हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है, 18,000 रुपये बेटी के नाम पर जमा होता है, 1,20,000 रुपये उसको बढ़कर मिलता है जब 18 साल की होती है। उसकी हम माँ की कोख नहीं देखते कि किस जाति की कोख है, किस धर्म और पंथ की कोख है, माँ की कोख से पैदा बेटी बेटी है, इसलिए हम उसका ध्यान रखते हैं और ये एक तरफा करते हैं। तो ये तो 100% मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रति समर्पित है। मैं तो चुनौती देता हूं और समाजवादी पार्टी के मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्म पंथ बिरादरी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से आह्वान करता हूं कि वो विचार करें कि उनका भला क्या उस पार्टी में है जो केवल एक तरफा मुसलमानों के लिए सोचती है, और अगर नहीं है तो विचार करें कि किस राष्ट्रवादी दल के साथ हमको जोड़ना चाहिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बसपा जो है वो जाति आधारित राजनीति के कारण जो है अब लोग उनको नापसंद करेंगे, बसपा के साथ आपकी भी सरकार थी तब क्या वो जातिवादी नहीं थे? एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि सामाजिक समरसता बढ़े जो समाज में धिक्कम हुई है, सामाजिक समरसता बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मैं भी उस सरकार में मिनिस्टर था, 11 महीने रहा, और अगर मैं कहूं तो मेरे ही विभाग के कारण बाध्य हुई इस्तीफा देने के लिए। मैं आती थी जो नीति का काम था वो मैंने किया, मैंने पॉलिटिक्स के हिसाब से उसके हिसाब से उनकी बात को भी नहीं माना। मेरा ये कहना है हमने एक प्रयास किया, वो प्रयास हमारा असफल हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का मत है कि हम किसी दल के साथ
न चुनाव से पहले न चुनाव से बाद समझौता नहीं करेंगे। दूध का जला छाछ को फूंक के पी रहा है। उनकी जातिवादी बात जो है, आज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद देश की जनता केवल राष्ट्रवाद पर विचार कर रही है, लकीरें मिट रही हैं जातिवाद की। उस जातिवाद की मिटती हुई लकीरों को मिटाने में तेजी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना है, और जातिवाद की ये लकीरों को यदि हम विलीन कर ले गए तो 2014 हमारा है। राजनीति में कस्में और जो वायदे होते हैं ये चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल खाते हैं और उसको निभाने का वायदा करते हैं। अभी ताजा उदाहरण है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि कांग्रेस के का समर्थन कभी नहीं लेंगे, उसी तरीके से आप भी कह रहे हैं कि किसी और दल का समर्थन नहीं लेंगे। पीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। पूर्व के अनुभवों से हमने जो कुछ पाया है, कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो राजनीतिक दल है उनसे कभी भारतीय जनता पार्टी का तालमेल नहीं होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो। ये समाजवादी के साथ हम कभी रहे नहीं, रालोद के साथ हमने चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी के साथ हम सरकार में साझेदार रहे, दोनों के साथ विश्वासघात के रूप में उनका अनुभव रहा। इसलिए विश्वासघाती के साथ दोबारा संबंध करना कोई अकलमंदी नहीं, न भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ तक वोटों की बात है तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में जब लोकसभा एक बहुत बड़ा चुनाव होता है और लोकसभा की सीट जितनी बड़ी होती है उसके लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ एक नेता है और जमीन पर आधार नहीं है, ऐसा आपके विरोधी कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो इस खुशफहमी के शिकार होकर चुनाव के मैदान में जाएं और अपना हश्र जो उनका होना होता हुआ देखें, हम उनको शुभकामना दें। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, कि गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। माननीय अडवाणी जी, माननीय जेटली जी, माननीय सुषमा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय वेंकैया नायडू, ये सभी नेता तो तब भी थे जब नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने नहीं लाया गया था, तब क्यों बार बार चुनाव लड़े गए और बार बार आपको हार का मुंह देखना पड़ा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या तमाम विधानसभा चुनाव। मेरा निवेदन ये है जी, हम जनता को विश्वास अर्जित कराने में सफल नहीं हो पाए कि हम विकल्प हैं, उसका परिणाम हमको चुनाव में मिला है। इस बार आप अगर चिकित्सा विज्ञान को देखें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन नाम का एक ड्रग होती है जो प्रत्येक औषधि के काम करने की गति को बढ़ाती है। उसी प्रकार से आदरणीय मोदी जी का जो दो टर्म का अपने यहां का सरकार चलाने का अनुभव है और सरकार चलाकर जो उन्होंने काम दिखाए हैं वो एक कैटलिस्ट का काम किया है भाजपा के नेतृत्व की दृष्टि से, और अब समूचा नेतृत्व एकजुट होकर भाजपा को 2014 के चुनाव में चलेगा और परिणाम मिलेगा। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का अनुभव, आप ही के नेता कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का भी अनुभव, तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं नरेंद्र मोदी? निश्चित तौर पर अनुभव से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं इन सब का अनुभव एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है भाजपा के आभा मंडल को। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गुजरात की सरकार ने जब सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, 8 घंटे बिजली थी, आज 24 घंटे बिजली गांव में है, इन्वर्टर की दुकान वहां नहीं है। कच्छ के रन में जहां पानी पहुंचाना एक समस्या थी पेयजल का, वहां मारुति कार पाइपलाइन के भीतर से निकल जाए, इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछा के पानी मुहैया कराया, तो कुछ सोच और सृजन है। लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस आज लाई है, इसको छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पहले हमारी सरकारों ने लागू कर रखा था, तो यही तो उनकी गुड गवर्नेंस थी, इस कारण उनकी वापसी हुई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वे कराया था कि संसार में कौन कौन से राज्य नगर विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, गुजरात का सारे संसार में नंबर 2 आया है, मध्य प्रदेश का 42वां आया है। लेकिन देश के 2 ही राज्य आए हैं और दोनों भाजपा शासित राज्य आए हैं, इसलिए आदरणीय मोदी जी को क्योंकि भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है इसलिए प्राथमिकता उनको है, नहीं तो हम रमन सिंह जी और इस पर आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी या गुजरात सरकार के आंकड़ों को आप बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, कई बार वो तथ्यों से अलग होते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी को गुड गवर्नेंस का पुरस्कार दिया,
राजीव गांधी फाउंडेशन मेरा नहीं है, सोनिया जी उसके चेयरमैन है। तो यह कहना कि हम मोदी जी के कामों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, शिवराज जी के कामों को और रमन सिंह जी के काम को या पारिकर जी के काम को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे। हमारे सामने वो उदाहरण मौजूद है, गोवा का मुख्यमंत्री पारिकर जो भी स्कूटी पर बैठकर रात को, अगर गोवा में कहीं सड़क बन रही है तो रात को खड़ा होता है जाकर अपने बंगले से निकल कर वीशेप की चप्पल पहनकर, ऐसे मुख्यमंत्रियों ने। शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी ने 35 किलो अन्न और जिसमें 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो नमक, 1 लीटर सरसों का तेल, ये गरीबों को मुफ्त और मध्यम वर्ग को सस्ती दरों पर कार्ड के आधार पर दिया। ये फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस अब लाई है, हम पहले लाए हैं, हम 35 किलो दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रावधान है 167 ग्राम प्रतिदिन, 67 साल की लगभग कांग्रेस की सरकार, बीच में 10 साल छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो फूड सिक्योरिटी बिल लाने को मजबूर हुए। 67% जनता उससे आच्छादित कर रहे हैं, 167 ग्राम दे रहे हैं, यानी एक समय में 80 ग्राम। भ्रष्टाचार के विरोध में अब राहुल गांधी भी बहुत कुछ कहते और सुने जा रहे हैं। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी केवल आकाशवाणी करते हैं, कि राहुल गांधी इस राष्ट्र का सर्वाधिक असफल व्यक्तित्व और नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र का सर्वाधिक राष्ट्रवादी असफल व्यक्तित्व। ये भाजपा का अहंकार नहीं है? अहंकार नहीं है, कार्यकर्ता अगर काम कर रहा तो उसको हम कहेंगे नहीं जनता के बीच में, जनता उसको स्वीकार भी कर रही है। अक्सर ऐसे अहंकार भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। राजनीतिक पद पाने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए जी। क्यों? शतरंज का खेल समाप्त होने के बाद सिपाही और बादशाह एक डिब्बे में बंद होते हैं, मैं रोज पढ़ता था। दूसरा विषय था कि जनता आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। यही दो मार्गदर्शक सिद्धांत यदि प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने रहे तो कहीं कठिनाई नहीं आएगी। जहां तक आपने अहंकार की बात कही है, शिवराज सिंह चौहान को देखे कहीं अहंकार दिखता है आपको? रमन सिंह जी को देखे कहीं अहंकार दिखता है आपको? मोदी जी भी अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो उनके साथ तो शायद जनता के बीच में मिक्सअप होने में उनको भी तकलीफ नहीं होगी, और हम जैसे कार्यकर्ता, उन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं, और हम तो कहीं भी जनता के बीच में जाते हैं, खुलेआम बात करते हैं, कोई अहंकार हमें नहीं है छोटे से छोटे व्यक्ति से बात करने में। ट्रेन में सफर हम स्लीपर में और एसी 3 टायर में करते हैं, एसी फर्स्ट में या इसमें चलते नहीं है। तो ये सब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार है, बिल्कुल अहंकार नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता जो कुछ हमें देना चाह रही है हम उसको जनता के सामने बैठकर हाथ फैलाकर झोली फैलाकर मांगेंगे, और झोली फैलाकर मांगकर जनता से स्वीकार करेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुत ही बढ़िया तरीके से सफलता मिली है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की मुहिम है, तो अगर शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है तो सबसे ज्यादा वोटों का नुकसान आपको होगा, बीजेपी को। भारतीय राजनीति में, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय अपना राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, 9 रुपए का सर्टिफिकेट अपने मतदाता होने का अपनी विधानसभा क्षेत्र के लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं चुनाव लड़ सकता है, हमको कहीं आपत्ति नहीं है, चुनाव लड़े। एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बोली थी, काले धन का मुद्दा सबसे पहले माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था, और आप स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि भाजपा का भी मुद्दा था, आपने भी लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय अन्ना जी ने उस आंदोलन को जमीन पर उतार कर राष्ट्रीय स्वरूप दिया, आदरणीय रामदेव जी ने काले धन के सवाल को उठाकर उसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया। लेकिन काले धन के और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कांग्रेस की सरकार की भूमिका दिल्ली में इन दोनों आंदोलनों के साथ हुई वो जग जाहिर है, वो भी कांग्रेस की एक डिमेरिट है। लेकिन ये दोनों आंदोलन असफल होना इस देश के लिए बहुत घातक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मत है भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, काला धन जितना हो सब देश में आए, काला धन जिनका उनके नाम उजागर करके उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, वो काला आया हुआ काला धन राष्ट्र के विकास का भाग बने, इसके लिए जो लोग काम करते हैं उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में दो दल थे, हम दोनों को पार्टी ने, जनता ने समर्थन दिया है, हमको 32 उनको 28,
हमने ये निर्णय किया कि हम सरकार किसी के समर्थन से नहीं बनाएंगे, लेकिन अनावश्यक सरकार बनाने में रोड़ा भी नहीं खड़ा करेंगे। सरकार उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई है, सरकार चलाए, अपने किए हुए वादों को पूरा करें, काम हो रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरा साफ सवाल है, आम आदमी पार्टी को चुनौती मानते हैं आप या नहीं? राजनीति में कभी भी किसी को हल्का मान के चलना राजनीतिक अकलमंदी नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। हम हर सामने आने वाली हर ताकत के लिए अपनी रणनीति कूटनीति तय करेंगे, तदनुसार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का परिणाम जनता के भरोसे और कार्यकर्ता शक्ति के भरोसे अपने पक्ष में लाने का हम पुरजोर प्रयास करेंगे। नो स्टोन रिमेन अनटर्न, आइदर हुक और बाय क्रुक हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव आप जीतेंगे। एक आखिरी सवाल चलते चलते, कितने सीटों पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी? सबसे बड़ा संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का हुआ उत्तर प्रदेश में। संख्या, क्योंकि अभी तक शतरंज की बिसात पूरी नहीं बिछी है जी, इसलिए संख्या के बारे में कहना तो उचित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी होगा, ये बात मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। और मैं आपकी उस बात का निराकरण करना चाहता हूं जो आपने पूर्व में कही थी कि इस आत्मविश्वास हर बार रहता है। इस बार के आत्मविश्वास में कार्यकर्ता की शक्ति का आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जनता में उपजा हुआ अविश्वास हमारे विश्वास में कन्वर्ट हो रहा है। दिल्ली की सरकार का महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का पोषण, घोटाले, उन सबके कारण जो इनकम्बेंसी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सरकार को खड़ा रखना, इस सब के कारण जो हमको शक्ति प्राप्त हो रही है वो मेरे आत्मविश्वास का कारण है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपने साधारण न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।